को गिरफ्तार किया गया तो इस कदर आवाम बाहर आएंगे कि हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। कोई भी ऐसी गलती करने का ना सोचे। पीटीआई के रहनुमा मुराद सईद की घनगरज। मीडिया से बातचीत में कहा, मौजूदा काबीना के 60% अरकान जमानत पर हैं, जिस पर फर्द जुर्म आयद होना थी वो वजीर आजम बन गया। बोले, इस हुकूमत ने तेल 60 रुपये महंगा कर दिया, आवाम को बिजली के झटके दिए जा रहे हैं। है मैं इनको बताता चलूं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। ये इमरान खान के ऊपर डालेंगे। मैं वार्न कर रहा हूँ, तनबीह कर रहा हूँ कि आपका टाइम खत्म हो रहा है। चोर और डाकू लुटेरे जो ऊपर बैठा हुआ है, फर्द जुर्म आयद होना है। 60% काबीना इनका बैठा हुआ है जो की खुद जमानत पे है। इनका इंटीरियर मिनिस्टर है जिसके ऊपर 22 अफराद के कत्ल का इल्जाम इनके अपनी जुमा ने लगाया है। पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपए फी लीटर इजाफा हो चुका है हुकूमत के आने के बाद। एक ही दिन में सुबह कौम को बिजली का झटका, रात को पेट्रोल पंप, और अगले दिन आपके गैस जो है उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।